हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सावन के महीने में हमें कौन से फल नहीं खाने चाहिए। साथ ही साथ हम इस बात को भी जानेंगे कि सावन के व्रत में नाशपाती के फल को क्यों नहीं खाने चाहिए, इसे खाने से क्या होता है। तो आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। सावन के महीने में चिड़ियाओं का झूठा फल कभी नहीं खाना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से मार्केट में हम फल लाते हैं, उसके साथ जो है कुछ कुछ छोटे छोटे जो चिड़ियाँ होती है उसके छोटे फल आ जाते हैं। तो बिना देखे यदि आप फल खा लेते हैं तो इससे भी आपके व्रत पे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में आपको कभी भी यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको चिड़िया या किसी भी पक्षी का झूठा फल नहीं खाना है। सावन के महीने में आपको जो है नाशपाती का फल बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि नाशपाती का फल किसी भी व्रत में खाने में शुभ नहीं माना जाता। यदि आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपके जो भी आपने व्रत किया है उस व्रत के फल की प्राप्ति भी नहीं होती, व्रत खंडित भी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सावन के महीने में नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप नाम से ही परिचित है कि नाश यानी नाशपाती यानी नाश करने वाला फल, तभी इसको किसी भी व्रत में इस्तेमाल नहीं किया जाता। विशेषकर सोमवार के सावन के व्रत में इस फल का सेवन नहीं किया जाता। जो भी भक्तगण है जो व्रत करते हैं सावन में, उन्हें ये फल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इस फल खाने से बचना चाहिए, हो सके तो घर पे ही मत लाइए। यदि आप उस फल को खरीदेंगे ही नहीं, घर पे ही नहीं लाएंगे तो आप खाएंगे भी नहीं। तो इसी वजह से आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड करें यदि आप सावन का व्रत कर रहे हैं। सावन के महीने में किसी से उधार लिया गया फल कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि यदि आप व्रत रख रहे हैं और आपको व्रत में फल की प्राप्ति हो रही है और आपने किसी से उधार लिया फल खा लिया, तो आधा जो फल है उस व्यक्ति को चला जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सावन में हो सके तो जितना भी अपनी खुद की जो कोई चीज़ है उसे लेकर के खाइए, यदि ना हो तो मत खाइए, पर किसी से व्रत के दौरान कोई भी चीज़ आप उधार मत लीजिए। कि यदि आप कोई सामान खरीदने के लिए पैसे भी ले रहे हैं तो क्या होता है कि यदि आप जिससे ले रहे हैं पूजा के दौरान, तो उस पूजा की जो फल की प्राप्ति, पूजा तो पूजा की जो सामग्री है सामान है वो उसी पैसे से आता है और वो दूसरे व्यक्ति का पैसा होता है। तो ये जो फल की जो आपको फल मिलने वाला होता है व्रत के दौरान, वो सार आधा पुण्य जो है फल सीधा उस व्यक्ति को चला जाता है। इसीलिए सावन के दौरान यदि आप कोई आपको फल दे रहा है तो आप मत खाइए उस फल को। यदि आपको किसी पूजा में मिल रहा है, कोई पंडित दे रहा है, तब आप उसे प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई आप किसी से उधार लेकर के कोई फल ले रहे हैं उधार, जैसे मार्केट में जाके यदि आपके पास पैसे नहीं, आप किसी से उधार लेके फल खरीद रहे या खा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ना करिए। तो बस फ्रेंड, आज का जो मेरा नॉलेज था यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।